गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। दिस वीडियो इज रिलेटेड टू 12th इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है, हम लोग वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे। आज ही उससे रिलेटेड आखिरी वीडियो है। इसके बाद आप लोगों का वेव ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पोलेरॉइड के बारे में बता दिया था, पैरेलल और क्रॉस अरेंजमेंट के बारे में भी समझा दिया था, पोलेरॉइड लाइट, अनपोलेरॉइड लाइट और पार्शियली पोलेरॉइड लाइट के बारे में भी आपको समझा दिया। तो आखिरी टॉपिक रहता है इसका मेलस लॉ। मेलस लॉ इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में आया है। अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ, इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट थ्रू पोलराइजर और एनालाइजर, पोलराइजर और एनालाइजर से एमिट होने वाली इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट थ्रू पोलराइजर एंड एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन एंगल बिटवीन देम। मतलब ये कि पोलरॉइड में से होकर जाने वाली जो लाइट है, पोलरॉइड में से जाए तो उसमें से जो लाइट होकर निकलेगी पोलरॉइड में से, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ कोसाइन एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच में बनने वाले कॉस थीटा के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आई बराबर क्या होगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। जहां पर ये जो I नॉट है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ठीक है। अब आप आपको बताते हैं पैरेलल अरेंजमेंट, याद करो पैरेलल अरेंजमेंट होगा ये एक लाइट दूसरी लाइट, ठीक है। और थीटा बराबर इसके लिए क्या होगा, जीरो डिग्री। या तो जीरो होगा, ये पोलराइजर होता था, या एनालाइजर होता था, या थीटा बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। अगर आप पैरेलल अरेंजमेंट लेते हैं तो आप वैल्यू रखें, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉस 180 वैल्यू -1 है, पर स्क्वायर है तो फिर प्लस में ही आएगा। तो आई बराबर क्या आएगा, आई नॉट, या तो जीरो लेंगे तो उसकी 1 है, 180 लोगे तो उसकी वैल्यू -1 है, आई बराबर आपका आई नॉट निकलेगा। और एक तरह से ये इंटेंसिटी कैसी होगी भाई साहब, मैक्स। तो पैरेलल अरेंजमेंट में थीटा की वैल्यू 0 होगी या 180 होगी और आई की वैल्यू क्या आएगी, मैक्स। यही आपका अगर क्रॉस अरेंजमेंट होगा, क्रॉस इसको घुमा देंगे है ना, तो ये आपका पोलराइजर, ये आपका एनालाइजर और ये इस तरह से। बताया भी था कि इसमें इंटेंसिटी 0 होती है और देखो ये निकल के भी आएगी। इसमें या तो थीटा बराबर 90 डिग्री या थीटा बराबर 270, दोनों ही केस में कॉस की वैल्यू 0 होती है। आई बराबर क्या आएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर 0 और ये वैल्यू आपकी निकलेगी आई बराबर 0, ठीक है। तो ये पहला अरेंजमेंट था और ये आपका क्रॉस अरेंजमेंट, ये आपका मेलस लॉ था, आखिरी टॉपिक था। तो इस तरह से ये चैप्टर थ्योरी वाइज तो कंप्लीट होता है। अब इसके थोड़े से 2-3 न्यूमेरिकल रह गए थे, उनको और देख लेते हैं। आइए,
इससे पहले तो वैसे मैंने आपको करा दिए थे। आई थिंक मैं आपको चार तक करा चुका हूँ, चार इंटरवल करा चुका हूँ, उसमें सात ही हैं, सेवन है। तो आइए देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, टू पोलराइड आर प्लेस्ड, लिख रहा हूँ बोर्ड पर क्वेश्चन को, पोलराइड आर प्लेस्ड प्लेस्ड सो एज So as the intensity, intensity of emerging light from the maximum, from them is maximum, from then is maximum, ठीक है। If a polaroid rotate with an angle of 30 and 90, if a polaroid rotate with an angle with an angle 30 degree or 90 degree what is new intensity ये मेलस लॉ पे ही है क्वेश्चन। पोलराइड से निकलने वाली जो लाइट है इमर्जिंग मैक्सिमम है और फॉर्मूला तो अपन को पता ही है, बहुत आसान है। तो वैसे डराने के लिए इतना बड़ा दे दिया, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री लीजिए, आई बराबर आएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, ठीक है। तो नहीं मैं खुद ही गलत कर रहा था, कॉस 30 की वैल्यू तो अंडर रूट 3/2 होती है, इसका स्क्वायर है तो 3/4 आई नॉट, ठीक है, सही है सर आंसर। और दूसरा थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री, तो ये तो सबको पता है, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर 90 और आई बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0। ये आपकी बुक का पांचवा क्वेश्चन था, देख लीजिए बहुत आसान क्वेश्चन है, पेपर में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, देख लीजिए। चलिए सर आगे चलते हैं, आगे आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, चलिए छठा क्वेश्चन ये है, व्हेन द सन इज एट एन एंगल ऑफ 37 विद द हॉरिजॉन्टल, देखिए सन जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 37, तो ये कितना एंगल होगा इसका 90 - 37 53 डिग्री। मैंने तो क्वेश्चन नहीं लिखा पहले, समझाना चालू कर दिया, चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ पहले मैं आपको, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी सा है। When the sun at an angle of 37 degree
विद द हॉरिजॉन्टल द रिफ्लेक्टेड लाइट through the surface of water completely polarized calculate the refractive index of water. ये सर सन ने एंगल बनाया 37 डिग्री ग्राउंड से, तो ये एंगल होगा आपका 53 डिग्री, ठीक है, ये मैंने बताया था। अब याद कीजिए ब्रूस्टर लॉ है ना, जिस एंगल पे लाइट आया उसी पर रिफ्लेक्ट होकर चली जाए। ग्राउंड से तो 37 बनाया, नॉर्मल से उसका एंगल कितना है, ब्रूस्टर लॉ था ना, ब्रूस्टर लॉ ये था 10 53 डिग्री बराबर n टू 1, और ये पूछ रहा है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो हो गया 10 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4/3, याद रखना ज्यादा ठीक है, 4/3 बराबर n टू 1, और n टू 1 बराबर आया 1.33, यूनिट तो कोई होगी नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है, 1053 की वैल्यू 4/3 होती है। अब आखिरी न्यूमेरिकल है उसको और देख लीजिए, टू पोलराइजिंग शीट, two polarizing sheets have their polarizing direction so that the intensity of transmitted light maximum so the intensity of transmitted light maximum through what angle must the either sheet rotated, the two polar sheets having their polarization direction parallel so that the intensity of transmitted light maximum, what angle either sheet, ठीक है, if the intensity is dropped
इफ द इंटेंसिटी इज टू बी ड्रॉप टू 1/4। हाँ जी, जो इंटेंसिटी है ना वो मैक्सिमम की 1/4 है। अच्छा क्वेश्चन है ये, लगा दो मेरे सुबह। आई बराबर कितना, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई की जगह पे लगा तो आई नॉट बाई 4 बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट से आई नॉट गया और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, कॉस थीटा बराबर होगा प्लस माइनस 1/2, और कॉस की वैल्यू 1/2 होती है जब थीटा बराबर क्या हो 60 डिग्री। तो दोनों आएगा, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। तो इस तरह से आपका वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम नया चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।